विजेथुआ महोत्सव इन दिनों चर्चाओं में है। स्वामी रामभद्राचार्य जी के मुखारविंद से श्री राम कथा का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें प्रभु श्री राम के एक एक चरित्रों का वर्णन बड़ी बारीकी से की जा रही है। इस पूरे कथा के आयोजक विवेक तिवारी न केवल तन और मन से इस कार्यक्रम में लगे हैं, बल्कि धन से भी पूरा समर्पण किए हुए हैं। इस कार्यक्रम में 30 तारीख तक लगातार स्वामी रामभद्राचार्य जी महाराज के मुखारविंद से श्री राम कथा का श्रवण करने को मिलेगा। रोजाना हजारों की तादाद में पहुंचे भक्तों का उत्साह देखते बन रहा है। भक्त लगातार तालियां बजाते हैं और उन प्रेरक प्रसंगों को सुनकर मनमोहित भी हो उठते हैं जो उनके जीवन में उनके लिए कारगर है। इस कार्यक्रम की न केवल पूरे सुल्तानपुर में चर्चा है, बल्कि इस बात का भी जिक्र किया जा रहा है कि किस तरह से एक अकेले शख्स ने अपने दम पर प्रभु श्री राम के अनन्य भक्त श्री हनुमत स्वामी की सेवा में अपना जीवन समर्पण किया हुआ है। और पूरे जनपद के लोग, जिन लोगों तक भी ये सूचना पहुंच रही है, वो सभी दिल से इस कार्यक्रम में सहयोग कर रहे हैं और लगातार इस कार्यक्रम को आगे बढ़ा रहे हैं। आइए देखते हैं कुछ झलकियाँ। अकबरपुर अम्बेडकर नगर से आए हैं तो अच्छा, हम यहाँ पर भी विजेथुआ महोत्सव में आप आए, आपको कैसा लग रहा है? बहुत सुंदर, यहाँ की व्यवस्था और यहाँ दर्शन करने का भी अद्भुत सौभाग्य हमको प्राप्त हुआ। सोशल मीडिया के माध्यम से हमको जानकारी हुई कि यहाँ हनुमान जन्मोत्सव के अवसर पर एक भव्य राम कथा का आयोजन किया गया है जी, जिसको हम लोग सुनने के लिए, यहाँ की व्यवस्था को देखने के लिए और दर्शन लाभ प्राप्त करने के लिए आए हैं जी। अच्छा, यहाँ पर आने पर जो है कैसा महसूस हो रहा है आपको आध्यात्मिक रूप से? अद्भुत एकदम, ये कालनेमी बध स्थल है और यहाँ पर महावीर जी का अद्भुत दर्शन प्राप्त हुआ, मन एकदम प्रफुल्लित हो गया। धन्यवाद भैया, आप क्या कहना चाहेंगे? हम भी कहेंगे आए हुए सब भक्तगण बाबा का दर्शन करें और बाबा के द्वारा वाचक कथा को सुने और जीवन के अनुभूत को प्राप्त करें। बाकी हनुमान जी का अच्छे से दर्शन मिला और कथावाचक भी आए हैं। अच्छा, हर वर्ष जो है यह महोत्सव होता है, आप क्या हर वर्ष आते हैं कि पहली बार आए हैं? की बार हम पहली बार आए। अच्छा, कहाँ से हैं आप? हम अम्बेडकर नगर से। अच्छा, आप भी अम्बेडकर नगर से हैं। अच्छा, ये विजेथुआ के बारे में कब से जानते हैं? बचपन से ही जानते हैं, लेकिन अब बस वैसे आते थे दर्शन वगैरह करके, पूजा पाठ करके चले जाते थे। बाकी सब ठीक है, आस्था हम लोगों की आते हैं। भगवान के जय हो, धर्म के जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का। ये गीत बाबा के दरबार में हमेशा कोई भी आता है हाजी लगाता है और कहना है तू तो भरता है भातों की।